हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और आज आया हूं आपके सामने लेकर एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय पर बात करने वाले हैं, और आज मैं आपको मेरे चैनल हेल्थ टिप्स में मैं आज आपका वेलकम करता हूं। और जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा दोस्तों, आज हम कैप्सूल ओमेगा 3 के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको कैप्सूल ओमेगा 3 के बारे में बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ कैप्सूल ओमेगा 3 बताते बताते अगर इन बिटवीन इफ़ एनीवन आस्क मी एनी क्वेश्चन, अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आपको जवाब भी देंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये है कैप्सूल ओमेगा 3, ये एक प्रोयंग कंपनी का है ओमेगा 3। ये जो है दोस्तों, फ्लैक्सीड से बना हुआ है। फ्लैक्सीड मतलब अलसी का तेल, उससे ये बना हुआ है दोस्तों, और इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है फ्रेंड्स। सब में पहले बताया जाए तो ये एक वेज सोर्स है फ्लैक्स सीड्स, और इसमें फ्रेंड्स पाया क्या क्या जाता है, इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। मोस्टली जो है फ्रेंड्स, इसमें ओमेगा 3 ये बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। दूसरा, अगर मैं कुछ बताऊंगा तो इसमें अदर इसेंशियल फैटी एसिड भी है। कार्बोहाइड्रेट इसमें जो है 0 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 0 है फ्रेंड्स इसमें। और इसमें फैट जो है, जो कि अच्छा फैट जो है, जिसको हम बोलते हैं इसेंशियल फैटी एसिड, वो 1000 mg है। मतलब एक कैप्सूल में फ्रेंड्स 1 ग्राम इतना ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, इस प्रकार का एक कैप्सूल होता है फ्रेंड्स। और ये एक बहुत ही उत्तम और एकदम बेस्ट ऐसा कैप्सूल है। ये जो है, ये वेज सोर्स है और ये सप्लीमेंट में आता है फ्रेंड्स। और इस पे जैसे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे गौर से, ये जो है फ्रेंड्स, हेल्दी हार्ट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और प्रमोट्स वेट लॉस, ऐसे 3 काम ये ओमेगा 3 फ्रेंड्स करता है। दोस्तों, ओमेगा 3 के बारे में बताया जाए तो ओमेगा 3 आजकल हमारे डाइट में हमको नहीं मिलता है फ्रेंड्स, इसलिए हमें इसका सेवन बाहर से करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और ओमेगा 3 जो है, हमें कम मिलने की वजह से जो है, आज हमारे शरीर में फ्रेंड्स LDL की मात्रा बढ़ती जा रही है। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपिड, मतलब जो है खराब चर्बी जैसे हम कहते हैं। और हमारे शरीर में जो है HDL की मात्रा, हाई डेंसिटी लिपिड जो है, वो कम होती जा रही है फ्रेंड्स, जिसकी हमें खासकर ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो ये ओमेगा 3 जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये खाने के बाद फ्रेंड्स HDL बढ़ता है और LDL कम होता है। LDL कम होने के बाद फ्रेंड्स, हमें जो है हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस जो है कम होते हैं। LDL बढ़ने के बाद हमारे हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक, बाईपास, एंजियोप्लास्टी, ये जो है प्रोसीजर्स आगे के हैं। हमारे जो कोरोनरी आर्टरीज है, उसके अंदर का जो लुमेन है, वो जो है वहाँ पे जो है हार्डनेस, थिकनिंग आ जाती है, और वहाँ पे जो है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, फैट जमा होता है, उसकी वजह से हमें जो है बहुत सारी हार्ट डिसीजेस होती हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आजकल के हमारे जो डाइट में हमें ओमेगा 3 नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ओमेगा 3 के बारे में बताऊंगा तो उसमें एक ओमेगा 3 इंडेक्स नाम की भी एक संकल्पना है फ्रेंड्स। जैसे कि अब्रॉड में जो है, इसकी संकल्पना में ऐसा है 0 से 4, 4 से 8 और 8 से 12, इसके ऐसे मात्रा हैं। एब्रॉड में जब हम यूरोपियन कंट्री में देखेंगे तो 8 से 12 ये इसका वहाँ का रेंज है, तो उसके लिए उनको जो है हार्ट के प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं होते फ्रेंड्स। बट इंडिया में जो है 4 से 8 या 4 से नीचे ही, एशियन कंट्रीज़ में 4 से 8 या 4 से नीचे ही ये ओमेगा 3 का इंडेक्स होता है, इसलिए हमें जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज होते हैं। ओमेगा 3 के और कौन कौन से यूजेस हैं, जैसे कि इसमें बताया है वेट लॉस, ये वेट लॉस भी करता है फ्रेंड्स। वेट लॉस क्यों करता है, क्योंकि ये जो शरीर में जो खराब चर्बी है LDL जो बड़ा है, उसको ही ये कम करता है और HDL को बढ़ाता है, जो कि हमारे जो मसल में जो पावर कम हुआ है, हमारे जो मसल वीक हुए हैं फ्रेंड्स, उस मसल को ये पावर बनाता है और हमारे फैट को लूज़ करता है, इसलिए मसल पावरफुल होता है, इसीलिए जो है फ्रेंड्स हमारा वेट लॉस होता है। तो इसमें ऐसी एक संकल्पना है, प्रमोट्स फैट लॉस एंड इंक्रीज मसल गेन। तो मसल गेन होने की वजह से जो है हमें पावर आता है फ्रेंड्स।
तो इसीलिए ये जो है वेट लॉस भी करता है। हेल्दी हार्ट के बारे में बताया मैंने, प्रमोट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये जो कहीं पर भी आपके बॉडी में सूजन होने दो, कुछ भी आपका आपके आपके जॉइंट पे सूजन होने दो, आपके ब्रेन में कहीं प्रॉब्लम हो दो, आपके नर्व में कहीं प्रॉब्लम होने दो, जॉइंट पेन को ये कम करता है फ्रेंड्स, आपके ब्रेन हेल्थ को ये एक्टिवेट करता है, आपके किसी भी नर्व में कुछ भी प्रॉब्लम है, स्क्लेरोसिस हम जिसे कहते हैं, वो भी ये ठीक करेगा फ्रेंड्स। तो एक्सलेंट 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 ये जो है ओमेगा 3 है दोस्तों। इसी ओमेगा 3 के मैं लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसे ले सकते हो। अब दोस्तों मैं इसका डोज आपको बताऊंगा, इसको दिन में 2 बार खाना है, 1000 mg की गोली दिन में 2 बार खाने के साथ। ऐसा अगर आप 3-4 महीने पे ले लेंगे, हर साल में 3-4 महीने इसको ले लिए, तो आप जो है हार्ट बीपी शुगर अस्थमा थायराइड के जो पेशेंट है वो इससे रिलीफ में रहेंगे, अच्छे रहेंगे। एथलीट्स इसका वापर कर सकते हैं, वेट जिसका बहुत ज़्यादा है वो भी लोग इसको वापर कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और